शहीद प्रसव सुनिश्चित कराने के लिए गोलपाड़ा संकट मोचन हनुमान मंदिर पर महिलाओं ने 100वें सांसद का रावण के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया का पुतला जलाया। 26 सितंबर को ग्वालियर के संकट मोचन हनुमान बालाजी मंदिर गोलपाड़ा पर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इसमें मंदिर से जुड़े प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को समिति द्वारा शॉल, श्रीफल, भागवत गीता एवं पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। जानकारी देते हुए जगबीर दास ने बताया कि धर्म को आम समस्या से दूर नहीं किया जा सकता, इसलिए मंदिर के सेवकों के द्वारा समय समय पर जनहित के मुद्दे उठाए जाते रहे हैं। उसी में एक मुद्दा जनवरी 2021 से लगातार उठाया जा रहा है। सेवक जगबीर दास का कहना है, हम और आप संसद में बैठे 99% सांसद सामान्य प्रसव से पैदा हुए हैं। प्रकृति के हर जीव के प्रसव सामान्य हो रहे हैं, लेकिन इंसानी महिलाओं के पेट फाड़कर प्रसव कराए जा रहे हैं। उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। उन्हें 2 और 3 बच्चों तक सीमित कर अघोषित परिवार नियोजन किया जा रहा है, जबकि सरकार ने निरर्थक रूप से परिवार नियोजन की कई योजनाएं चला रखी हैं, उन पर खर्च कर रही हैं। जब पेट फाड़कर बच्चे ही पैदा हो रहे हैं तो ऐसी योजना की क्या जरूरत है। इसी का विरोध करने के लिए और प्राकृतिक प्रसव सुनिश्चित कराने के लिए सेवकों के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। उसके तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, शहर के जनप्रतिनिधि एवं सभी 543 सांसदों को ज्ञापन दिए गए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब सेवकों के द्वारा सम्मानित पत्रकार बंधुओं से चर्चा कर यह निर्णय लिया कि प्रतिदिन एक सांसद का पुतला मंदिर के गेट पर जलाया जाएगा। इसी कड़ी में 19 जून से आज तक 99 सांसदों के पुतले जलाए जा चुके हैं। आज यहाँ शल्य प्रसव से पीड़ित महिलाएं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया का रावण के रूप में पुतला दहन कर रही हैं। आगे जब तक इस प्रकरण का कोई ठोस समाधान नहीं निकलता है, तब तक प्रत्येक मंगलवार को रात्रि 7:30 बजे एक केंद्रीय मंत्री का पुतला फूंका जाता रहेगा। मेरे अनुसार धर्म या पूजा पाठ केवल मंदिर तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। धर्म ईश्वर से जोड़ने का और ईश्वर के अंशों की भलाई के लिए है। मेरे अनुसार धर्म, पुण्य, पूजा पाठ ईश्वर से जोड़ने और जुड़ने का माध्यम है और ईश्वर के बनाए हुए बंदों की भलाई के लिए है। इसी के तहत पूजा पाठ करते करते मैंने विगत 2 साल से अपने मंदिर से 6 मुद्दों को समय समय पर उठाया है और उनको अभी मध्य में चल रहे हैं सभी। मेरा कहना है कि मर्डर करने वाला एक व्यक्ति को मारता है, उसे फांसी की सज़ा होती है, 20 साल की होती है। मिलावट करने वाला कितनों को मारता है, ये मेरा मुद्दा चल रहा है। गायों का, सांडों का आखिर क्या होगा, जो गली गली घूम रहे हैं 4, 6 और 10, आखिर इनका क्या होगा। अनुपयोगी हो गए हैं सांड और गायों की दुर्दशा आपके सामने है। एक 10 साल से कम के बच्चे बच्ची के साथ जो दुष्कर्म और मर्डर हो रहे हैं, उनके लिए वकील क्यों मिल जाते हैं। ये मंदिर के ही हमारे मुद्दे हैं, मैं अपने बुजुर्ग को बता दूं। और अभी जो चल रहा है कि जब प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक अंगों से सभी जीवों के क्या नाम प्रसव हो रहे हैं, तो इंसानों के क्यों नहीं। हमारा विज्ञान क्या पिछड़ गया क्या। जब आप बच्चा रोकने के लिए, जन्म होने के लिए रोकने के लिए दवाइयां बना चुके, हजारों क्या नाम है उसके साधन बना चुके, तो सामान्य प्रसव हो इसके लिए कोई प्रयास क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं वैज्ञानिक खोज कर सकते। तो इस पर हमारा आप लोगों से चर्चा करके हमने आंदोलन चलाया। जनवरी 2021 से समय समय पर सभी को ज्ञापन दिए। सबसे पहले हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को, मुख्यमंत्री को और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन दिया। उसके बाद शहर के सभी जनप्रतिनिधियों को दिया, 543 सांसदों को दिया। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तब हमने एक सांसद का पुतला जलाने का निर्णय लिया और आज 100वां सांसद का पुतला हमें केंद्रीय मंत्री के रूप में फूंकना पड़ा है। और आगे हम प्रतिदिन अपने सेवकों के इन क्या कहें, जिनको शर्म नहीं रही है, जो देश के कर्णधार अपने आप को समझते हैं,
जिनको इस तरह के मुद्दे और इस तरह के आंदोलन को तवज्जो नहीं देते हैं, तो उनके प्रतिदिन पुतला फूंकने से अच्छा है कि हमने 8 दिन में 1 केंद्रीय मंत्री का पुतला फूंकने निर्णय लिया है। आगे यहाँ से पर 1 केंद्रीय मंत्री का हर मंगलवार को शाम को 7:30 बजे पुतला फूंका जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से जो यहाँ आस्था और विश्वास के लिए लगभग 1.5-2 साल से कोरोना काल में जो धार्मिक कार्य हुए और आस्था विश्वास बढ़ाने के लिए कि हाँ ईश्वर है और ईश्वर पर विश्वास करने वाले निश्चित रूप से क्या नाम है बीमारियों से बचते हैं, संकटों से बचते हैं, उनका उन्होंने प्रचार प्रसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ लगातार आते रहे और हमारे पास नहीं ईश्वर के पास यानी कि मूर्ति रूपी भगवान के पास आते रहे और अपना प्रचारित प्रसारित करते रहे। तो उनका सम्मान करना मेरा अपना फर्ज है कि उन्होंने इंसानियत के लिए और आम लोगों तक प्रभु की बात पहुँचाने के लिए जो कार्य किया वो सराहनीय है और मुझे ऐसे व्यक्ति का हमेशा सम्मान करना चाहिए। कोतवाल कप्तान की जय। महाराज की जय। ये गीता दे रहा हूँ क्योंकि आस्था विश्वास पूरी हो चुकी है, आगे यही श्रेणी आती है। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।